माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों से नियमित स्कूल नहीं जा सकते। ऐसे विद्यार्थियों को भी शिक्षा अर्जन का अवसर मिले, इसके लिए राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल एक विकल्प है। Make no compromise in your child's education. Join the number one school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open, pre-nursery to class 9. वासुदेव देवनानी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों से नियमित स्कूल नहीं जा सकते। ऐसे विद्यार्थियों को भी शिक्षा अर्जन का अवसर मिले, इसके लिए राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल एक विकल्प है। राज्य के लाखों विद्यार्थी हर साल इस राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के 10वीं और 12वीं की परीक्षा देते हैं। विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार की यह वैकल्पिक व्यवस्था मील का पत्थर साबित हुई है। स्टेट ओपन स्कूल में 10वीं और 12वीं की कक्षा पढ़ रहे विद्यार्थी आगे अध्ययन कर उच्च पदों पर भी पहुँचे हैं। वर्तमान में 1.25 लाख से अधिक विद्यार्थी स्टेट ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं परीक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। कक्षा 10वीं में करीब 70,000 विद्यार्थी हैं, 12वीं में करीब 55,000 विद्यार्थी बैठ रहे हैं, लेकिन सभी विद्यार्थी राजस्थान ओपन स्कूल के और प्रदेश सरकार के अनदेखी और लापरवाही के शिकार हो रहे हैं, जिसका सीधा सीधा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मार्च चल रहा है, आगामी 1-2 माह में परीक्षाओं का आयोजन होना है, परंतु पाठ्य पुस्तकों के अभाव में वे कैसे और क्या पढ़ पाएंगे तथा कैसे परीक्षा दे पाएंगे, ये बहुत ही गंभीर विषय है। नियमानुसार स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा आवेदन शुल्क के साथ ही किताबों के लिए भी शुल्क ले लेती है। शुल्क सरकार के पास पड़ा जो लगभग 3.5 करोड़ है, और इन दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को किताबें उपलब्ध कराती है। हर विद्यार्थी को 5 किताबें दी जाती हैं, और इस तरह से करीब 6 लाख पुस्तकें दी जानी थी। सामान्यतः हर बार दिसंबर माह तक पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाती हैं, ताकि 4-5 माह में विद्यार्थी पढ़ सके, लेकिन वर्तमान में सरकार और सरकार से संबंधित विभागीय अधिकारियों की अकर्मण्यता और घोर लापरवाही के चलते टेंडर प्रक्रिया भी अभी तक अटकी हुई है। उस विलंब के कारण पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो रही हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इनको पुस्तकें तुरंत उपलब्ध कराएं, और जो उपलब्ध नहीं करा सके उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल हो सके और उनके साथ खिलवाड़ न हो।